हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आए हैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर टाउन में। इसे टेंपल टाउन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं और ये टेराकोटा का जो टेंपल्स हैं वो भी यहाँ पे है। तो आपको ले चलेंगे रास मंच में, ये देखिए। तो दोस्तों, ये रासमंच सन 1600 में मल्लभूम शासक बीर हाम्बिर ने निर्मित करवाया था। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 24.5 मीटर लंबा है और 12.5 मीटर चौड़ा है। सो फ्रेंड्स, अभी आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये जोड़ बांगला मंदिर है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये संरक्षित है, इसलिए यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अंदर से मना है। सो कोशिश मैं यही करूँगा आपको कि बाहर से जितना भी वीडियोग्राफी पॉसिबल हो वो दिखाऊँ। जोड़ बांगला मंदिर का निर्माण राजा रघुनाथ सिंह, जो मल्लभूम के ही शासक थे, उन्होंने 1655 में बनवाया था। इसकी पूरी संरचना में आपको टेराकोटा की मूर्तियों और नक्काशी का चित्रण मिलेगा। हम लोग आए हैं मृण्मयी टेम्पल में। ये जो टेम्पल है ये विष्णुपुर का सबसे पुराना टेम्पल है। ये 997 AD का बनाया हुआ है ये फ्रेंड्स। चलिए आइए अंदर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर का निर्माण राजा जगत मल्ल ने 997 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर अपनी दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जो 15 दिनों तक होती है और विष्णुपुर के अन्य सभी मंदिरों में तब तक पूजा शुरू नहीं होती जब तक इस मंदिर से मशाल नहीं जलाई जाती। मदन मोहन मंदिर का निर्माण मल्ल राजा दुर्जन सिंह देव ने 1694 ईस्वी में अपने पारिवारिक देवताओं भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा के लिए करवाया था। यह है फ्रेंड्स हमारे लिस्ट का आखिरी टेंपल आज का, लालजी टेंपल। इस मंदिर का निर्माण सन 1658 में मल्ल राजा बीर सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये था विष्णुपुर का सफर। इसके बाद हम चल रहे हैं त्रिधारा मिलन मंदिर, जो पाँचमुड़ा में है। विष्णुपुर स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंड्स ये 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। सो चलिए लेट्स गो, त्रिधारा मिलन मंदिर देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अपने सबसे अट्रैक्टिव प्लेस में। जी हाँ, ये है त्रिधारा मिलन मंदिर, जिसे गुप्त वृंदावन का भी खिताब दिया गया है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, ये है त्रिधारा मिलन मंदिर। इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है और आप इसे एक तरफ से सेकेंड वृंदावन ही मान लीजिए। हाल ही में July 1, 2022 को भजन दत्त, जो एक स्थानीय व्यवसायी हैं, उनके द्वारा ये निर्माण किया गया। और एक बात, यहाँ 2000 से भी ज़्यादा लोगों को सेवा प्रदान करता है ये मंदिर।
₹51 के विनिमय में दोस्तों आपको यहाँ भोग मिलेगा, जिसका कूपन 11 बजे से आपको मिलता है। 1 बजे से भोग शुरू कर सकते हैं आप लोग। इसके उपरांत यहाँ पे हरि दर्शन, भोग प्रसाद, वाहन पूजा, विवाह, पोइता और भूमि पूजन जैसे कार्य भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने एक वेबसाइट भी बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीढ़ियां आपको दिख रही हैं, ये मेन मंदिर में जाने के लिए है, तो आइए चलिए मेन मंदिर में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चारों तरफ ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। ये है फ्रेंड्स कॉमन एरिया, यहाँ पे आप दर्शन के बाद विश्राम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ऊपर से नज़ारा कुछ ये दिखेगा आपको। ठीक मंदिर की बाईं ओर आपको ये भगवान शिव शंभू का काफी आकर्षणीय स्टेचू देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स पांचमुड़ा का त्रिधारा मिलन मंदिर। और अगर ये वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।